स्मार्टफोन में ओवरहीटिंग एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि स्मार्टफोन गर्म होना एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और ये बढ़ती ही जा रही है। आजकल निकले हुए सारे मोस्टली बहुत सारे स्मार्टफोन में गर्म होना एक बहुत गंभीर समस्या बन गई है, क्योंकि स्मार्टफोन में इतने सारे ऐप्स जो होते हैं, इतने सारे मल्टीपल फंक्शन होते हैं, तो गर्म होने कॉमन सी बात हो गई है। तो दोस्तों हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आज कि स्मार्टफोन को गर्म होने से कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों स्मार्टफोन गर्म होने से दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपका फोन खराब हो सकता है, प्लस आपके फोन का परफॉर्मेंस भी कम हो सकता है। तो दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, इसके कॉज और सॉल्यूशन के ऊपर हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इसी के ऊपर। तो दोस्तों उससे पहले एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना न भूले, ताकि आने वाले हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो और नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों तो लेट्स बिगिन आज का वीडियो, हम बात करेंगे कि इसके सॉल्यूशन क्या है, इसके कॉज क्या है। दोस्तों तो पहले बता दूं कि स्मार्टफोन में ओवरहीटिंग एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, तो इसके सॉल्यूशन ये है कि दोस्तों हम सबसे पहले इसके देख लेते हैं कि कॉजेस क्या है, पहले किस वजह से ये ओवरहीट होता है, गर्म होता है, इसके कारण हम देखेंगे। तो पहले बता दो कि अगर आपके फोन में अगर कोई रॉन्ग प्रोसेसर लगा है तो भी एक समस्या है, तो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से आपका फोन ओवरहीट या गर्म होता हो। दूसरी बात, अगर आप गेम खेल रहे बहुत समय तक वो भी एक कारण हो सकता है, या फिर आप अगर एट अ टाइम मल्टीपल एप्स यूज कर रहे हैं, मल्टीपल एप यूज करने की वजह से बहुत बार गर्म हो जा रहा है फोन, तो ये एक कारण है। और दूसरी बात, कभी कभी आप अपना फोन धूप में भी रखते हैं, तो धूप में रखने की वजह से बहुत बार ऐसा रीजन होता है कि धूप में रखने के बाद भी ये फोन गर्म होने लगता है। तो लास्ट में बता दूं दोस्तों कि फोन गर्म होने का मेन रीजन भी क्या हो सकता है कि आप जो भी फोन यूज कर रहे हो, जो भी कंपनी का, प्लीज उसका ओरिजिनल चार्जर यूज कीजिए, या फिर कोई ब्रांडेड कंपनी का यूज कीजिए, डुप्लीकेट चार्जर यूज मत कीजिए। वो एक मेन रीजन है आपके फोन का, स्मार्टफोन का गर्म होना, क्योंकि ओरिजिनल जो चार्जर है वही प्रॉपर वोल्टेज सपोर्ट करेगा, नहीं तो आपका फोन गर्म हो सकता है। दोस्तों ये सारे कारण थे कि आपका स्मार्टफोन गर्म क्यों होता है, ये सारे रीजन थे, इसी वजह से मोस्टली गर्म होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इसकी सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम हमारे स्मार्टफोन को गर्म होने से बचा सकते हैं। दोस्तों पहले मैं बता दूं कि आप अगर कोई गेम खेल रहे हैं या एट अ टाइम मल्टीपल अगर आप एप्स यूज कर रहे हैं तो उसे आप पहले बंद कर दें, क्योंकि अगर आपको जो रिक्वायरमेंट है ऐप्स की वही ऑन रखिए, बाकी का बंद कीजिए, क्योंकि उसी की वजह से मेन गर्म होता है। तो ये एक सॉल्यूशन है कि आप एट अ टाइम मल्टीपल ऐप ना यूज करें, जो रिक्वायर है उसी ऑन रखें। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मोबाइल में वाईफाई डेटा ब्लूटूथ या जो भी है डायरेक्शन पोजीशन जो भी आपके ऑप्शन है अगर ऑन रखे हैं, अगर आपको रिक्वायर है तो ही उन्हें ऑन रखिए, अदरवाइज उन्हें बंद करके रखिए, वो भी एक प्रॉब्लम है। अगर आप बिना रीजन के उन्हें ऑन रखेंगे तो आपके बैटरी पर इफेक्ट पड़ सकता है और बैटरी खराब होने का चांसेस भी है, तो वो सारे ऑप्शन बंद कर दीजिए जिसकी आपको जरूरत नहीं है। तो एक सॉल्यूशन है कि आपका फोन ओवरहीटिंग से बच सकता है। दूसरा, अगर आपके मोबाइल में कोई भी एप्स अपडेट करना है तो उसे अपडेट कर दीजिए, नहीं तो इससे आपका स्मार्टफोन खराब होने के चांसेस है। जो भी आपको ऐप अपडेट में आए हैं उन्हें अपडेट कर देना है जरूरी है, क्योंकि इस और साथ साथ आपके मोबाइल की रैम को भी ऑलवेज क्लीन करते रहिए, रैम को क्लीन करने से भी आपका मोबाइल फास्ट हो सकता है। तो ऑलवेज ये भी आप एक सॉल्यूशन है कि आप अपने मोबाइल में जो रैम को क्लीन रखिए। दोस्तों ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, और हो सके तो अपने मोबाइल को धूप में ना रखें, कम से कम उसे धूप से बचाए, ज़्यादा हो सकता है तो दोस्तों धूप में रखने से बचा सकते हैं तो बचाइए, धूप में रखने से ही कम से कम धूप में रखे, मतलब धूप में रखने के चांसेस नहीं है, धूप में कम रखे हो सकता है, क्योंकि धूप में जितना धूप में रखेंगे उतना गर्म ज्यादा होगा। दूसरा बता दो कि दूसरा, आप कोई भी अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो उसका ओरिजिनल चार्जर ही यूज करें, तो ये एक सॉल्यूशन है। मैं बता दूं कि ओरिजिनल चार्जर यूज करने से आपका स्मार्टफोन गर्म नहीं होगा, ये एक बेहतरीन सॉल्यूशन है, बाकी का तो कुछ पता नहीं, लेकिन द मेन रीजन ये होता है मोस्टली कि हम जो डुप्लीकेट चार्जर यूज करते हैं उससे आपका स्मार्टफोन गर्म हो जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया सॉल्यूशन, मोस्टली यही रीजन होते हैं ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन के गर्म होने का। तो दोस्तों ये सब आप सॉल्यूशन का यूज करके आपके स्मार्टफोन को गर्म होने से बचा सकते हैं, आपका फोन गर्म होने से बच सकता है। तो दोस्तों थैंक यू, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूले, और ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा कुछ टेक्निकल और नए नए अपडेट्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, फिर मिलते हैं।